लोरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ पैन इंडिया कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। गैंगस्टर लोरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं। सभी शूटर्स की गिरफ्तारी पंजाब और अन्य राज्यों से की गई है। पुलिस ने शूटर्स के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। केंद्र सरकार ने 6,798 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो 5 वर्षों में पूरी होगी। ये परियोजनाएं परिवहन संपर्क को मजबूत करेगी, लॉजिस्टिक्स कम करेगी, 106 लाख मानव दिवसों को रोजगार पैदा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस निर्णय पर मुहर लगाई। जयपुर जिले में खाद्य सुरक्षा टीम ने कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के नेतृत्व में खाद्य पदार्थों के नमूने लिए विशेष शंकर मिष्ठान भंडार, कान्हा रेस्टोरेंट, हंसराज कॉरपोरेशन और अन्य प्रतिष्ठानों से मावा मिठाई और घी के नमूने जांच हेतु लिए गए। अन्नपूर्णा रसोई से आटा, चावल और तेल के भी नमूने लिए गए हैं। एनवीडिया के प्रमुख जेनसन हुआंग और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने मुंबई में एनवीडिया समिट इंडिया के दौरान भारत में एआई लाने के लिए करार किया। मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो दुनिया की सबसे बड़ी डेटा कंपनी बन चुकी है। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि भारत विश्व की बौद्धिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का मूल है और वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से सार्वभौमिक समानता का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने आजादी के 100 साल पूर्ण होने के अवसर पर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्यपाल ने देश की समृद्ध ज्ञान परंपरा और अद्वितीय संस्कृति पर चिंतन करने का आह्वान किया। जयपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट UK 829 ने इमरजेंसी लैंडिंग की। यह फ्लाइट दिल्ली से हैदराबाद जा रही थी, जब एक यात्री को मेडिकल इमरजेंसी के कारण जयपुर में उतारा गया। पायलट और स्टाफ ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडिकल इमरजेंसी की जानकारी दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। आतंकी लोरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल किया गया है। अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से भाग चुका है और उसके खिलाफ राजस्थान में कई केस दर्ज है। जयपुर में करीब 6 महीने पहले मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा सिया सैनी की जहर से मौत हो गई। छात्रा ने अपनी मां को फोन कर कहा था कि मुझे बचा लो, लेकिन मां जब अस्पताल पहुंची तब उसकी मौत हो चुकी थी। अब छात्रा की मां ने 21 अक्टूबर को बनीपार्क थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सीबीआई की इस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और भाई के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को रद्द कर दिया था। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर पर लगी कप्तानी का लाइफ टाइम बैन हटा दिया गया है। 2018 में वार्नर को ऑस्ट्रेलिया में किसी भी टीम की कप्तानी करने पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह बैन लगाया था। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कंडक्ट कमीशन ने फैसले की समीक्षा करते हुए वार्नर से बैन हटाने का निर्णय लिया है।